नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर गाइड टीवी न्यूज में। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 10। मैं हूं अमनजोत, पेश कर रही हूं देश विदेश की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के दोस्तों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय के लिए अनुरोध किया है। एक्टर के दोस्त ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि सीबीआई को मामले के अपने हाथ में लिए इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। भारत के अलग अलग हिस्सों में ट्रैक्टर ट्रॉली पर किसानों का झुंड सड़कों पर उतर आया है। किसानों ने ट्रेनों को रोका, रैलियां निकाली, पुतले जलाए, नारे लगाए। किसान बिल के खिलाफ उनकी तख्तियां अभी भी आसमान की तरफ तनी हुई हैं। उधर शुक्रवार को श्रोमणी अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने कहा था, एक अटोमिक बम से यूएसए ने जापान को हिलाया था। अकाली दल के एक बम श्रोमणी अकाली दल के सांसद हरसिमरत कौर का मोदी कैबिनेट से इस्तीफा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिला दिया है। दरअसल पंजाब के मुक्तसर ने जनसभा को संबोधित करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने यह बात कही थी। किसान बिल के मुद्दे पर हर दल भारतीय जनता पार्टी को किसानों का दुश्मन बताना चाहता है। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत बीजेपी पर लगातार हमला करते आ रहे हैं, फिर वह शायराना अंदाज से हो या शिवसेना के मुखपत्र के जरिए। अब ऐसे में शिवसेना के नेता संजय राउत ने शनिवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में उठा पटक जारी है। शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन पर सरकार तो बना ली, लेकिन इसके बीच आपसी खींचातान नहीं खत्म हो रही है। एक दशक पहले तक नक्सलियों का गढ़ पालीगंज के बिजार विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही चुनावी बिहार बहाने लगे थे। अनुमंडल मुख्यालय सहित दुलियन बंजार प्रखंड क्षेत्र को अपने में समेटे पालीगंज विधानसभा सीट इस बार हॉट सीट में तब्दील हो गई है। पिछले चुनाव में इस सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार जयवर्धन यादव उर्फ बच्चा बाबू ने भाजपा के उम्मीदवार जय जनम शर्मा को हरा कर जीती थी। मुंबई पुलिस ने मीडिया वाहनों को ऐसे सेलिब्रिटीज का पीछा ना करने की चेतावनी दी है जिन्हें एनसीबी ने सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुला रही है। मुंबई पुलिस के डीसी ने कहा है कि वाहन जब्त कर लिए जाएंगे क्योंकि वे खुद की जिसे बुलाया जाएगा और उसकी और आम लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने स्टार्टअप इक्वाइन बायोटेक ने कोविड-19 की स्टीक और वहन करने योग्य जांच के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक किट नामक एक स्वदेशी आरटीपीसीआर डायग्नोस्टिक किट बनाई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किट को मान्यता दी है। यह किट मरीज के सैंपल में SARS-CoV-2 की मौजूदगी का पता लगाने के लिए 1.5 घंटा लगाती है। पंजाब में कृषि बिलों के खिलाफ किसानों का रेल रोको आंदोलन 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है और अब यह 29 सितंबर तक जारी रहेगा। किसान मजदूर संघर्ष समिति के राज्य सचिव सरवण सिंह पंडेर ने कहा है कि जब तक हाल ही में पारित हुई कृषि बिलों को वापस नहीं ले जाता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विकसित व आधुनिक देशों में पानी की सप्लाई जैसे होती है वैसे ही 24 घंटे सप्लाई दिल्ली में करेंगे। उन्होंने कहा कि पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आसपास के राज्यों से बात की जा रही है और दिल्ली में उत्पादित 930 मिलियन गैलन पानी की जायबंदी तैयार की जा रही है। अनिल अंबानी ने बताया कि वह भाई मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी में निशुल्क रह रहे हैं। यूके की कोर्ट में उन्होंने कहा, मेरे खर्चे कम है जिन्हें मेरी पत्नी परिवार उठा रहे हैं, मेरी जीवन शैली खर्चीली नहीं है। अनिल ने 70 करोड़ डॉलर वसूलने की कोशिश कर रहे चीनी बैंक में कहा, वह हमें पैसे नहीं चुकाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। WHO के इमरजेंसी एक्सपर्ट माइक रॉयन ने कहा है कि COVID-19 संक्रमण में हाल ही में कोई वृद्धि के लिए युवाओं को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। बकौल रॉयन ने कहा, सभी उम्र के लोगों द्वारा महफीले जमाने में महामारी बढ़ी है। दुनियादारी में प्रतिबंधों लॉकडाउन में ढील के बाद युवाओं द्वारा COVID-19 का प्रसार बढ़ाने को लेकर चिंताओं के बीच उनका यह बयान आया है। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।